हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ मेरा हॉस्पिटल बैग, जो मैं खुद के लिए एज वेल एज बेबी के लिए क्या पैक करूँगी हॉस्पिटल को, वो मैं मेरी मामा बताएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो वो मुझे बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये, और मैंने कुछ ज़्यादा भारी नहीं लिया, क्योंकि हॉस्पिटल बैग यूज़ करने के बाद मैं उसको फेंक दूँगी, ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करूँगी। सो मैंने ये लिया था, ये बैग लिया है मैंने, बहुत कम कॉस्ट में लिया है। कितने कॉस्ट में लिया था? 100 रुपये में। हाँ, हमने लिया था क्योंकि हमें सिर्फ हॉस्पिटल के बाद हम उसको फेंक देंगे, नहीं यूज़ करेंगे। सो ये हमें मिल गया था 100 रुपीज़ में, और बहुत बड़ा बैग है एक्चुअली। उसमें सामान आने के बाद भी बहुत स्पेस बच जाती है, और अंदर से ये ऐसा है। सो हमने बैग लिया, और उसके बाद हमने ये टॉवल लिया मेरे लिए। एक टॉवल लेके जाएंगे, ये भी यूज़ करने के बाद मैं फेंक दूँगी, इसलिए हमने नया टॉवल लिया मेरे लिए। और बाद में टॉवल के बाद मैं अपने 2 जोड़े कपड़े लूँगी, और सर पे बांधने के लिए दुपट्टा लूँगी। और हमने, मामा ने ये भी मुझे दिलाया है, ये है सर पे बांधते हैं, कान टोप बोलते हैं इसको, ये मैंने लिया है। और अंडर गारमेंट्स इसके साथ जाएंगे, और मेरे कपड़ों में सिर्फ इतने सामान जाएंगे। और अब मैं बताती हूँ कि बेबी के लिए हमने क्या क्या लिया है। सो इसको मैं साइड कर देती हूँ बेबीज़ के लिए। सो अमेज़ोन पे तो सब मिल जाता है। सो ये मैंने बेबी के लिए बेबी वाइप्स मंगाए थे, पैक ऑफ 3, और बहुत अच्छा प्राइस रेंज में मिल गया था। अगर मुझे इसकी लिंक मिली तो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वरना अमेज़ॉन पे तो सब अवेलेबल है। इसके बाद मैंने शॉप से शॉपिंग किया, मुझे लगा कि मुझे समझ में नहीं आएगा ज़्यादा अमेज़ॉन से। सो मैं गई थी बेबी हग, जहाँ से मुझे डायपर मिला। सो ये मैंने न्यूबॉर्न बेबी का 22 सेट वाला डायपर लिया है, पर हॉस्पिटल ये पूरा नहीं लेके जाऊंगी, इसमें से सिर्फ 2 या 3 लेके जाएंगे ना मम्मी। सो सिर्फ 2-3 लेके जाएंगे, और ये घर में रखेंगे। और ये मुझे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, ये हमें प्राइस पड़ा था 395 का, 22 का पैक, पर यूनिट 17। सो इसमें इतने सारे साइज आते हैं, न्यूबॉर्न, स्मॉल, मीडियम, और एज भी लिखा है उसमें। नहीं, केजीज लिखा है, एक्चुअली केजीज लिखा है। सो मैंने न्यूबॉर्न ही लिया है। अब लेट्स सी, महंगा तो ले लिया है, पर पता नहीं है इसलिए महंगा लेना पड़ रहा है। ये मैंने बेबी हग से स्मॉल हैंकरचिप्स लिया है, इसमें पैक ऑफ 6 था, और इसका प्राइस है 315। और बच्चे के लिए और भी है, 6 पीस है ये, 0 मंथ के लिए, स्मॉल स्मॉल है, सॉफ्ट है। ये बच्चे के लिए मैंने ये भी लिया, ये वाला मम्मी ने बच्चे के लिए लिया, सर पे टोपी है ऐसे बांधने में। हाँ, 2 लियो इसको, मतलब रैप करने के बाद इसको बांधते क्या? हाँ, इसको ऐसे अंदर बांध के, नहीं पहले इससे बांधेंगे, इससे बांध के फिर इसको ऐसे ऐसे बांधने के बाद फिर इसको ऐसे ले लेंगे ऐसे। अच्छा अच्छा, बेबी को कैरी करने के लिए। हाँ ओके। सो ये हमने सॉफ्ट मटेरियल लिया है, थोड़ा हल्का पतला मटेरियल लिया है, कि बेबी को ज़्यादा गर्मी ना हो। तो पहले इस कपड़े से उसको रैप करेंगे, बांध देंगे, एंड देन ये कॉटन का है, घर का कपड़ा है, कॉटन है, सॉफ्ट है ये। उसके बाद बेबी को कैरी करना है, तो इसके ऊपर किसी को भी देना है तो इसमें गोद में देने के लिए ये है कपड़ा। इसमें हमने 2 कलर्स लिया है, एक है येलोइश और ऑरेंज, उसके बाद बेबी के लिए ये कैप लिया है मम्मी ने, जो हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, वहाँ पे देना पड़ेगा बेबी होने के बाद। सो ये कैप है, ये भी लिए, और ये उनकी लंगोटी ये लिया है हमने, और ये कुर्ते भी, और ये कुर्ता,
और ये वाला लिया है क्योंकि ये आगे से बटन्स है तो इजीली वेयर करने को होगा और बहुत स्मॉल साइज़ है, ये बहुत स्मॉल साइज़ है। इसके साथ ये दो पैर करे और मम्मा ने और भी लिया है, और ये भी ये एकदम अच्छा है नरम, ये यहाँ से बांधने का रहता है, बांधेंगे ये कंधे से, जैसे इसको ये भी पहना सकते हैं ना। हाँ ये भी पहनाने के। ओके सो ये भी टॉप है, ये भी पहनाने के। और इसमें हमने तीन सेट लिया है, दो घर में रखा है, एक दो लेके जाएंगे और एक घर में रखा है। हाँ करेक्ट। और ये टोपी भी, और इस एक और हमने टोपी लिया, ये थोड़ी बड़ी साइज की है और मालूम नहीं है ना छोटा बड़ा कुछ साइज नहीं पता है। हाँ, इसलिए हमने अंदाज से ली, एक छोटा लिया है और एक थोड़ा बड़ा लिया है। अब मैंने पिंक और ब्लू तो कुछ भी सामान ज़्यादा करके नहीं लिया है क्योंकि कलर पता नहीं है तो ऑरेंज पर्पल सब पे चले जाएगा, इसलिए कुछ भी ले ली, इसलिए कुछ भी कलर लिया है, ऑरेंज येलो छोटे छोटे जूते हैं और ये छोटे छोटे जूता लिया है हमने बेबी के लिए। हाँ। और ये हाथ का ग्लव्स है, और ये हाथ का ग्लव्स, सी सो क्यूट, बिना साइज का सब लिए है, स्मॉल स्मॉल साइज का लिए और ब्लू और पिंक नहीं लिए, ऐसे रैंडम कलर लिए जो दोनों पे सूट हो। हाँ पता नहीं है ना इसलिए। और ये हमने दो सेट लिया है, लेके जाएंगे अभी, और ये सबको अभी एक वॉश कर रहा है। और ये टू कैप्स लिया है, और ये हमने एक ही सेट लिया है। हाँ। ये एक सेट और ये एक सेट। हाँ। क्योंकि ये हम और ले लेंगे, जैसे कि डायपर्स तो है ही बेबी के लिए, और ये सुबह रात में आई थिंक वो डायपर्स पहनाते हैं और मॉर्निंग में पूरा दिन लंगोट पहना के रखते हैं। हाँ। सो ये और ले लेंगे हम। हाँ। अभी तो बेबीज के लिए हमने इतना पैक कर लिया हॉस्पिटल बैग के लिए, और अभी तक हमें चेकलिस्ट दिया नहीं है, शायद वहाँ पे भी मिलेगा। हाँ हॉस्पिटल में भी मिल हाँ, सकता है, कपड़ा मिलेगा। सो हमें मिलेगा। हाँ सो ये हमने एवरेज आउट ले लिया है, दूसरी बार जाएंगे तो पूछेंगे, तो वो बोले कि दूसरी बार आएंगे तो बताते हैं लिस्ट क्या क्या वहाँ मिलेगा, तो उसके हिसाब से और भी ले लेंगे, या तो फिर यहाँ इसमें से भी कम करना पड़ेगा। हाँ या फिर अगर उनके वो हमें सब दे देंगे तो हम नहीं लेंगे, यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। हाँ। और अगर उन्होंने चेकलिस्ट दिया तो हाँ। सामान और एक्स्ट्रा तो हो और भी सकते हैं, और खरीदेंगे, और खरीद सकते हैं। हाँ। सो ये बेबी का मम्मी हैंकी दिखा रही है। हाँ। ये इतने स्मॉल साइज का है, छोटे छोटे और सॉफ्ट है, बहुत नरम कपड़े, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुझे भी काम आ जाएगा, लाइक बेबी को भी काम आ जाएगा और मुझे भी अगर यूज करना है तो मुझे भी काम आ जाएगा बच्चे के साथ। उसके बाद हटा देना, भी लिया है हमने बेबी के लिए, पीछे से ये प्लास्टिक ही है अच्छा। और आगे से ये सॉफ्ट मटेरियल, जिसमें लिक्विड गिरेगा तो हाँ। कपड़ा नहीं भीगेगा उनका। हाँ, और इधर से ये ऐसा है। हाँ। सो ये दो ले लिया है हमने, सब ले लिए अभी, और क्या ये सब तो हो गया बेबी के लिए। अभी मैं अपने लिए हॉस्पिटल में फॉर सेफ्टी पर्पस मैंने क्या क्या खरीदा है मैं बताती हूँ आपको। सो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था। सो ये न्यू मॉम मटरनिटी जो सैनिटरी पैड्स है, ये 5 पीस मैंने लिया है। थोड़ा मैंने रिसर्च किया कि मेरे पास क्या क्या रहना चाहिए पहले से, और मैंने ये वाला भी लिया है न्यू बॉर्न का, न्यू मम्मी का। ये दोनों आई थिंक अमेजोन से मैंने लिया है, और ये दोनों कॉम्बो था, सो ये भी 5 पीस था और ये भी 5 पीस था। इसके बाद मैंने ये भी पता किया है कि ये रखना चाहिए, तो एवर ईव का मैंने ये वाला लिया है स्मॉल टू मीडियम साइज़ का 10 पीस। इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मुझे मिला तो लिंक मैं दे दूँगी, और ये बहुत इजी टू वेयर होता है, सो मैंने ये भी रख लिया है। और ये सब मैं सब नहीं लेके जाऊंगी, लाइक एक दो तीन पीस लेके जाऊंगी। और ये मैंने लिया है डिस्पोजल ब्रेस्ट पैड,
लव लैप का। सो ये भी मैंने पता किया था कि ये रखना चाहिए, तो मैंने ये भी ले लिया है खुद के लिए। और इसके साथ मैं अभी जो डॉक्टर बोलेंगे उसके बाद और भी खरीदना है, और भी हाँ चेकलिस्ट जो जो में रहेगी मुझे वो भी लेना है। अंदाज से खरीदे है इतना सारा मैंने अपने लिए और बेबी के लिए लिया है। मैंने अपने लिए ये भी ले लिया है, पर कर लिया है मैंने। ये मैंने डार्क कलर का लिया है क्योंकि इसको भी मैं जो जो कपड़े मैं यूज करूँगी हॉस्पिटल में पहनना है, और जो जो मैं यूज करूंगी उसको मैं फेंक दूंगी, रखते नहीं। सो ये भी मैंने डार्क कलर का लिया है। और इसके साथ मुझे अभी दो ड्रेसेस और लेने हैं। और अगर कुछ मिस आउट हो रहा है मुझसे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये मुझे फर्स्ट टाइम है और हमें मालूम भी नहीं कि क्या क्या लेना चाहिए। वैसे तो चेकलिस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी मैं श्योर नहीं हूँ। हॉस्पिटल में हमने पूछा था ना, हाँ पूछे थे, सो उन्होंने बोला चेकअप के दिन आएंगे, उस दिन पूछेंगे तो फिर बताएंगे। यस, वो सब बता देंगे। सो अभी इसको हम फोल्ड कर देंगे, एक वॉश करेंगे, फोल्ड कर देंगे और ये वाले बैग में हम भर के रख देंगे। सो ये था मेरा हॉस्पिटल बैग। और कुछ कम होएगा तो हमको बताओ। हाँ कुछ कम रहेगा तो हमें बताना। एंड करती हूँ, और अम्मी ने सब अम्मी ने खरीदा है अम्मी के पसंद का। सो मुझे बताना कि कैसा आपको सब ये सब ड्रेसेस लगे। ये बहुत क्यूट है, बहुत छोटे छोटे हैं। जब तक के लिए मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।